नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लोकमय स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। फाइनली इतने दिन का आपका इंतजार खत्म हो चुका है। डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो परीक्षा फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। आज 13 तारीख को जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पंजीयक शिक्षा विभाग की तरफ से, बीकानेर की तरफ से आ चुका है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले कि आप जो है अप्लाई कैसे करेंगे, आपकी फॉर्म फीस कितने रहने वाली है और क्या क्या इसकी डेट्स है, कब से स्टार्ट होने वाले हैं आपके फॉर्म और लास्ट डेट इसकी क्या रहने वाली है। सो देखिए, यहाँ पर विषय बताया गया है डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश यहाँ पर आपको दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे। तो कल से यानी 14 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, जो आप 26 तारीख तक रात्रि 12 बजे तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और परीक्षा शुल्क आप जो है अपने संस्थान में जमा करवाएंगे ऑफलाइन, तो वो आपको 27 तारीख तक जो है आप 27 जुलाई तक वो जमा करवा सकते हैं। देखिए, बात करते हैं कि इसके लिए स्पेशल कुछ गाइडेंस भी आपको यहाँ पर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन अधिकृत वेबसाइट जो कि राजशाला दर्पण है, वहीं पर आपको डीएलएड एग्ज़ाम के सेक्शन पर क्लिक करके अपना एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो सबमिट करना है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर इसके फॉर्म फीस कितने रहने वाली है। तो देखिए, प्रथम वर्ष के नियमित परीक्षार्थियों के लिए 270 और पूर्ववर्ती भी अगर कोई परीक्षार्थी है तो उसके लिए भी 270 रुपये रहने वाली है। वहीं सेकेंड ईयर के लिए भी जो है आपकी एग्ज़ाम फीस वो सेम टू सेम है, बिल्कुल 270 रुपये आपको जो है अपना परीक्षा शुल्क जमा करवाना है। हो सकता है आपके कॉलेज वाले आपसे एक्स्ट्रा रुपये मांगे, लेकिन यहाँ पर आपको सतर्क रहना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियर रूप से लिखा हुआ है कि आपको जो है 270 रुपये अपने एग्ज़ाम फॉर्म के रूप में जो है कॉलेज वालों को देने हैं। उसके साथ में भी जो द्वितीय वर्ष के नियमित परीक्षार्थी के साथ प्रथम वर्ष के विषयों की परीक्षा जिनकी रह गई थी पहले प्रथम वर्ष में सप्लीमेंट्री एग्जाम्स, उनको 540 रुपये देने हैं। और द्वितीय वर्ष पूर्ववर्ती परीक्षा के साथ प्रथम वर्ष के विषयों की परीक्षा जो प्रोन्नत हुए हैं उनके लिए भी 540 रुपये यहाँ पर शुल्क रखा गया है। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको यहाँ पर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपके पास में एक फ़ोटो होनी चाहिए, जिसकी आपको अधिकतम साइज़ जो है 50 KB जो JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। उसके साथ में आपके हस्ताक्षर, 12वीं की आपकी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, काउंसलिंग सीरियल नंबर और प्रवेश दिनांक जो कि आप जो है अपने कॉलेज से ले सकते हैं। उसके साथ में आपको आधार कार्ड की भी एक फ़ोटो चाहिए होगी, जो कि वहाँ पर स्कैन करके आप लगा देंगे। अब देखिए, आपको इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले आपको राजशाला दर्पण वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पर इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जस्ट आपको डीएलएड एग्जाम के सेक्शन पर क्लिक करना है, देन आपको स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। अब देखिए, वहाँ पर आपको स्टूडेंट का यूज़र नेम और पासवर्ड भरना होता है और उसके साथ में कैप्चा कोड फिल करना होता है। अगर आपके पास में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप वहाँ से फॉरगोट करके भी वो प्राप्त कर सकते हैं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उससे संबंधित हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब आपके इंटर्नशिप के फॉर्म शुरू हुए थे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप पर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि अगर आपके पास अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप कैसे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मोबाइल फ़ोन की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद में आपको डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और प्रोफाइल में जो भी आपकी जानकारियाँ होंगी, जो कि आपने इंटर्नशिप के टाइम पे फिल की होंगी, वो सारी जानकारियाँ आपके सामने होगी। वहाँ पर आप उनको क्रॉस चेक एक बार ज़रूर से कर लीजिएगा कि आपकी जो भी जानकारियाँ हैं उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद में आपको डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स है, जो कि ऊपर डॉक्यूमेंट्स अभी आपने देखे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, एंड देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, देन फिर आपको सेव पे क्लिक करना है और डिटेल भरने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो है आपको सब्जेक्ट्स का चयन करना है और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, द्वितीय वर्ष का परीक्षार्थी यदि प्रथम वर्ष में प्रोन्नत है तो प्रोन्नत के विषयों का अवश्य चयन करें, साथ ही ऐच्छिक विषयों का चयन भी अनिवार्य रूप से करें तथा उसके बाद में सेव सेकेंड ईयर पर क्लिक करें और उसके बाद में जो है नेक्स्ट पर उसको क्लिक करना है। सो यही दोस्तों इसकी बेसिक जानकारी थी। अब आपको इसका फॉर्म कैसे सबमिट करना है उसका भी हम लोग जो है एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कैसे इसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जो है अपनी फॉर्म फीस अपने कॉलेज में जाकर ही जमा करवानी है। इससे संबंधित और भी अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों के पास में है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी हमें पर्सनल रूप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।